अगर आपने नहीं की कभी भी हवाई यात्रा तो ज़रूर देखें ये वीडियो, क्योंकि हर नई शुरुआत बहुत ही रोमांचक भरी होती है। कैसे हुई थी अंतरिक्ष युग की शुरुआत, जानें रोचक तथ्य और इतिहास। अंतरिक्ष में पहली उड़ान का ऐतिहासिक सफर कितना था रोचक, जानने के लिए JDF लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, जिससे आपको हर डे इवेंट के स्पेशल वीडियोस ऐसे ही मिले। अब बहुत आसान होता है लोगों का ये कह देना कि हम मंगल पर जमीन खरीदेंगे और चंद्रमा पर घर बनाएंगे, लेकिन यहाँ तक पहुँचने की जो कठिन यात्रा रही है उसके लिए आज का ये दिवस अपने आप में विश्व स्तर पर बहुत विशेष हो जाता है। तो इस विशेष दिवस की शुरुआत के बारे में, इसकी यात्रा के बारे में जानने के लिए इस वीडियो के रोचक सफर में बने रहे अंत तक और जानिए कुछ ऐसे प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले लोगों के नाम जिन्होंने अंतरिक्ष में यात्रा करके अपने अपने देश का इतिहास रचा और कुछ ऐसी नई खोज की जो अपने आप में हैरान कर देने वाली थी। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कभी हवाई यात्रा नहीं की होगी, यानी कि फ्लाइट पे नहीं बैठे होंगे, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो उन्होंने हवाई यात्रा की हो। तो जीवन में हवाई यात्रा का या किसी भी ऐसी नई शुरुआत का अनुभव बहुत ही रोमांचक होता है, और इस रोमांचक सफर का अगर कोई साक्षी बने तो वो दिवस अपने आप में बहुत विशेष हो जाता है। वैसे ही आज का ये दिवस अपने आप में बहुत विशेष है। मैं सोशल एक्ट्रेस एडवोकेट तनिष्का गुप्ता JDF लाइव में हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसे डे इवेंट के बारे में जो पूरे विश्व के लिए गौरवान्वित करने वाला है, विज्ञान और खोज की दिशा में एक नई पहल रखने वाला है। कुछ ऐसे नामचीन लोगों के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिन्होंने इस खोज में अपने प्राणों की बलि भी दी है और कहीं ना कहीं नई नई खोज से देश को नई चीजों नई गति प्रदान करने में मदद भी की है। आज का ये डे इवेंट अपने आप में बहुत बहुत विशेष है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें और JDF लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, जिससे हर डे इवेंट के स्पेशल वीडियो स्टोरी सीरीज आप तक ऐसे ही पहुंचते रहे। आज का दिवस यानी कि 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष उड़ान दिवस। तो कौन थे वो पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले यात्री और कैसे अंतरिक्ष में उड़ान भरने की यात्रा शुरू हुई, कौन कौन से अंतरिक्ष उड़ान भरने वाले यात्री हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर विज्ञान की दिशा में एक नई खोज की पहल की थी। तो बहुत कुछ है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष उड़ान दिवस के बारे में जानने के लिए, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। JDF लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि हर दिवस अपने साथ एक विशेषता लेकर आता है, एक इतिहास लेकर आता है, जो जानना जिसके सफर में साथ रहना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के सफर में यहाँ साथ रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आगे सफर और भी रोचक है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी विश्व में पहली बार अंतरिक्ष पर जाने वाले यात्री का नाम और उसका अनुभव। उसके बाद मैं आपको साझा करूंगी कि भारत में वो कौन से पहले अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने अंतरिक्ष पर जाकर भारत का नाम रोशन किया है, और वो कौन सी पहली महिला है जिन्होंने अंतरिक्ष पर कदम रखकर भारत देश और समाज को गौरवान्वित किया है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आज का ये दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल को कब और क्यों मनाया जाने लगा। दरअसल 12 अप्रैल 1961 को सोवियत रूस के अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पृथ्वी की सफलता पूर्वक परिक्रमा करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। आजादी के बाद से अब तक इसरो व भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष का सफर शानदार तरीके से तय किया है। इस मामले में भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री कहीं आगे भी रही हैं, और बहुत सारे अंतरिक्ष पर यात्रा करने वाले लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने अपने अनुभवों को साझा भी किया है, और उनके इस अनुभव नए उड़ान नए युग की शुरुआत के उपलक्ष में आज का ये दिवस अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है।
इसकी शुरुआत महासभा ने 7 अप्रैल 2011 के अपने प्रस्ताव A/RES/65/271 में 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया था। मानव जात के लिए अंतरिक्ष युग की शुरुआत के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह जश्न 12 अप्रैल को मनाया जाता है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और राज्यों और लोगों की भलाई में वृद्धि करने के साथ साथ शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए बाह्य अंतरिक्ष को बनाए रखने की उनकी आकांक्षा की प्राप्ति सुनिश्चित करने में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। और इस तारीख को सुनिश्चित किया था 12 अप्रैल 1961 सोवियत नागरिक यूरी गगारिन द्वारा की गई पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान की तारीख को। और मानव के विकास की दिशा में एक नई उड़ान भरती हुई ये ऐतिहासिक तारीख मानवता के लाभ के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण का मार्ग खोलती है। जैसे 12 अप्रैल 1961 को यूरी गगारिन पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले मानव बने, वैसे ही पहली महिला यात्री बनी वेलेंटिना टेरेस्कोवा 16 जून 1963 को पृथ्वी की कक्षा में पहली महिला यात्री बनकर इन्होंने देश और पूरे विश्व में अपना नाम लोगों के शिक्षा के और जनरल नॉलेज के दिशा में अंकित किया। अगर हम बात करें कि दूसरे ग्रह की धरती पर पैर रखने वाले वो कौन से पहले अंतरिक्ष यात्री थे, तो वो थे नील आर्मस्ट्रांग। पैर रखने वाले पहले मानव बने थे। 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर और 17 जुलाई 1975 को अपोलो और सोयुज अंतरिक्ष यान की डॉकिंग अंतरिक्ष में पहला अंतरराष्ट्रीय मानव मिशन पूर्ण किया। तो आइए अब चलते हैं उस रोचक सफर में कि पहली उड़ान का रोचक सफर कैसे तय किया गया था। 27 वर्षीय सोवियत अंतरिक्ष यात्री यूरी गगारिन पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले इंसान बने। यूरी गगारिन ने वोस्तोक अंतरिक्ष यान का संचालन किया, जो पहला मानव कक्षीय अंतरिक्ष यान था। वोस्तोक 3KA अंतरिक्ष यान में अकेले बैठे थे, जिसे वोस्तोक के रॉकेट पर लॉन्च किया गया था। सुबह करीब 6 बजे अंतरिक्ष यान ने दक्षिणी कजाकिस्तान के बैकोनूर कोस्मोड्रोम से उड़ान भरी थी। कुछ ही मिनटों में गगारिन अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले इंसान बन गए। गगारिन ने लगभग 17,500 मील प्रति घंटे की गति से एक बार पृथ्वी का चक्कर लगाया। लैंडिंग से ठीक 4 मील पहले उन्होंने खुद को अंतरिक्ष कैप्सूल से अलग कर लिया और पैराशूट का उपयोग करके सुरक्षित रूप से उतर गए। यह ऐतिहासिक उड़ान केवल 1 घंटे 48 मिनट तक चली और इस सफल उड़ान ने अंतरिक्ष में मानव प्रयास के लिए एक नया अध्याय खोला। यह सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए बड़ी जीत के रूप में देखी गई थी और यही कारण है कि इन्हें न सिर्फ सोवियत संघ के राष्ट्रीय नायक के रूप में बल्कि दुनिया भर में एक लोकप्रिय व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है। उन्हें सर्वोच्च सोवियत सम्मान सोवियत संघ के हीरो के खिताब से भी नवाजा गया था। तो आइए चलते हैं अब हिंदुस्तान में जानने के लिए कि ये अंतरिक्ष अनुसंधान संबंधी गतिविधियां कब और कैसे शुरू हुई और अपने देश का परचम लहराने वाले वो कौन से पहले महिला या पुरुष थे। 1960 के दशक में ये शुरुआत हो चुकी थी। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई ने देश के सक्षम और उत्कृष्ट वैज्ञानिकों, मानव विज्ञानियों, विचारकों और समाज विज्ञानियों को मिलाकर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का नेतृत्व करने के लिए एक दल गठित किया। यहीं से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का सफर शुरू हो गया और 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की नींव रखी गई। इसके 15 वर्ष बाद सोवियत संघ के सहयोग से वर्ष 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बने। तब से अब तक 4 भारतीय अंतरिक्ष के सफर पर जा चुके हैं। तो वो कौन 4 भारतीय हैं, उनका नाम जानते हैं और कब, कैसे और कितने घंटे उन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा का सफर पूर्ण किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों इसे लोगों तक जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। और JDF लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे हर डे इवेंट की स्पेशल वीडियो सीरीज आप तक पहुंचे। राकेश शर्मा को देश का पहला अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव हासिल हुआ। 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयुज T-11 से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे। 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट स्पेस स्टेशन सल्यूट 7 में बिताने के बाद वो धरती पर लौट आए थे। राकेश का जन्म
पंजाब के पटियाला में 13 जनवरी 1949 को हुआ था। अंतरिक्ष यात्रा के लिए राकेश शर्मा के साथ एक अन्य भारतीय रवीश मल्होत्रा का भी चुनाव हुआ था। दोनों एयरफोर्स के जांबाज और अनुभवी पायलट थे। हालांकि ट्रेनिंग के बाद अंतरिक्ष उड़ान भरने के लिए राकेश शर्मा का चुनाव किया गया था। अंतरिक्ष यात्रा से पहले उन्होंने मॉस्को में 2 वर्ष ट्रेनिंग की थी। मॉस्को के यूरी गगारिन अंतरिक्ष केंद्र उनकी ट्रेनिंग भी हुई थी। उन्होंने रूस के 2 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतरिक्ष यात्रा पूरी की थी। कल्पना चावला, जिन्हें शायद हर व्यक्ति जानता होगा, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला के रूप में कल्पना चावला का नाम जाना जाता है और उन्हें इतिहास में एक विशिष्ट स्थान भी मिला है। 19 नवंबर 1997 को नासा द्वारा भेजे गए अंतरिक्ष मिशन में कल्पना चावला 6 अंतरिक्ष यात्रियों के दल का हिस्सा थी। अंतरिक्ष शटल कोलंबिया की उड़ान STS-97 से अंतरिक्ष की यात्रा करके कल्पना ने अपने नाम का डंका बजाया था। 16 जनवरी 2003 को कल्पना चावला कोलंबिया के STS-107 के जरिए दूसरी अंतरिक्ष यात्रा पर निकली, लेकिन इस मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण कल्पना चावला की मृत्यु हो गई। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। वह पंजाब से इंजीनियरिंग के बाद अमेरिका चली गई थी। और तीसरा नाम जाना जाता है सुनीता विलियम्स, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के जरिए अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला सुनीता विलियम्स ने एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। सुनीता के पिता दीपक पांडे मूलतः गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले थे। सुनीता के पिता वर्ष 1958 में अहमदाबाद से अमेरिका के बोस्टन में जाकर वहीं बस गए। सुनीता के पिता अमेरिका में डॉक्टर थे। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो राज्य के यूक्लिड नगर क्लीवलैंड में हुआ था। सुनीता ने मैसाचुसेट्स से हाई स्कूल पास करने के बाद 1987 में संयुक्त राष्ट्र की नौसेना अकादमी से फिजिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया था। इसके बाद 1995 में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में MS किया। वर्ष 2006 में सुनीता विलियम्स ने पहली बार अंतरिक्ष की उड़ान भरी। खास बात यह है कि 2 अंतरिक्ष मिशनों का अनुभव रखने वाली सुनीता पहली महिला है जिन्होंने 50 घंटे तक स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। यह वॉक स्पेस शटल के बाहरी स्पेस में था। सुनीता विभिन्न अभियानों में कुल 321 दिन 17 घंटे और 15 मिनट अंतरिक्ष में रही। सुनीता विलियम्स की उपलब्धियों को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने 2008 में पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया था। और भारत में चौथा नाम है भारत में जन्मी अंतरिक्ष यात्री सीसा बंदला, वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी के VSS यूनिटी स्पेसशिप पर अंतरिक्ष गए 6 व्यक्तियों के एक चालक दल का हिस्सा थी। वर्जिन गैलेक्टिक एक ब्रिटिश अमेरिकी स्पेस फ्लाइट कंपनी है। धरती से अंतरिक्ष तक और फिर वापसी का ये सफर 70 मिनट का रहा। हालांकि सीसा की ये उड़ान कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष मिशन से कुछ अलग थी। तो उम्मीद करते हैं आपको अंतरिक्ष उड़ान दिवस कि ये रोचक जानकारी जरूर पसंद आई होगी और उन 4 भारतीयों पर आपको जरूर गौरव महसूस हो रहा होगा जिन्होंने अंतरिक्ष में अपनी उड़ान भरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लोगों तक जरूर साझा करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अंत में एक सवाल जिसका जवाब आप कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, तो वो कौन से 4 भारतीय हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान भरी? अपने जवाब कॉमेंट सेक्शन में दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।